अगर आप खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना करना चाहूंगी यहाँ पे प्रद्युम्न, कि अभी तक आपने इतनी जर्नी बताई और कहीं ना कहीं क्रिकेट किट जो है, एक आपने बताया कि आप उधारी की क्रिकेट किट से जो है खेल के आगे बढ़े हैं, ऐसे में जब पहली क्रिकेट किट मिली उस वक्त क्या फीलिंग थी? सबसे पहले जो मुझे प्यूमा की स्पॉन्सरशिप मिली तो मेरे लिए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये किट पूरी मेरी है। फिर मुझे BDCA से भी कपड़े मिले और किट मिली, तो वो मैम अनबिलीवेबल मोमेंट था मेरे लिए। मैं फैमिली को सबसे पहले फोन करके बताया कि आज मुझे पूरा क्रिकेट का सामान मिला है पहली बार। मैम वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स मैन के तौर पे आपको किट दी जा रही है। वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था मैम, मैं बता नहीं सकता, वो बहुत महसूस करने वाला टाइम था। मैंने अपने कोच के जाके तहस किए, उनसे बताया, उन्होंने बोला कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ है। ओके। यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स आपके साथ खेलते हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका रहता है? किस तरह से प्रैक्टिस जो है होती है, ग्राउंड पे क्या माहौल रहता है? हम फ्रेंडली माहौल रहता है एकदम, जैसे हम कई कई प्लेयर रहते हैं जो हम कई सालों से साथ में खेल रहे हैं, फिर वो टीम में खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, फ्रेंड जैसे जैसे घर जैसे बिहेव करते हैं। DDCA से तो मैं 6 साल से खेल रहा हूँ अंडर 19, और करंट मैं दिल्ली से अभी रणजी ट्रॉफी प्रोग्रेस टीम में भी था। तो जो भी प्लेयर मेरे साथ खेलते हैं मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, और उनसे जो सीनियर हैं उनसे भी, जैसे ऋषभ पंत है तो नीतीश राणा भैया हैं, इन लोगों से मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है। मैं इन लोगों से बहुत सीखा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं टीम के साथ रहता हूँ, जब मैं टीम में रहता हूँ तो इन लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं इन्हीं के जैसा अच्छा करना चाहता हूँ। प्रतिमान, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं काफी सारे क्रिकेटर्स के साथ, एथलीट के साथ, मेडिकल हो चाहे यहाँ पर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो। तो ऐसे में एक जो आप फिलहाल में जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में, वहाँ का क्या सपोर्ट रहता है? यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी यहाँ पर सुविधाएं हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती हैं, यानी कि जो लोग स्पोर्ट्स कोटा में काम करते हैं यानी कि स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो उनको किस तरह की सुविधाएं सरकार देती है, किस तरीके से जो है प्रोत्साहन यहाँ पर देती है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है? मैम जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं। मेरे कोच जो भी प्रोफेशनल प्लेयर हैं, मेरे कोचेज जो भी ग्राउंड स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो BDCA का हो या क्लब क्रिकेट का हो, वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। कोविड में भी उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दी जिसकी वजह से मैं अभी कंटिन्यू हूँ। उन्होंने कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मुझे स्पेशल केस में बुलाया और ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिस दी, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने वाला था। और उसके बाद मैम अगर स्पोर्ट्स कोटा देखा जाए तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, तो मैम जैसे मैं MP से बिलोंग करता हूँ तो मुझे अभी तक कैसा कुछ की वो आइडिया नहीं है कि MP में क्या कहता है, बट हाँ दिल्ली में मैं एसोसिएशन खेलता हूँ तो यहाँ के एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट है, और यहाँ की गवर्नमेंट का भी जितना भी होता है प्लेयरों को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। MP में मैं रामपुर बाजरा विकास खंड का हूँ, वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था शुरुआती दौर। जी प्रतिमान, यहाँ पे फिर एक और बात देखी जाए तो मध्य प्रदेश में जो है आप क्या देखना, खेल को जो है क्रिकेट को आप किस तरीके से आगे देखना चाहते हैं? अगर आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा सुविधाएं अभी नहीं मिली हैं, तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को मिलनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन को मिलनी चाहिए, और किन वजहों से जो है लोग पीछे मध्य प्रदेश में रह जाते हैं? जी, मैम मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पे मैं अंडर 16 टूर्नामेंट 2015 में प्ले किया था डिस्ट्रिक्ट, जिस समय सतना डिस्ट्रिक्ट की चैंपियन बना। तो उसके बाद मैम मुझे मौके कम मिले, और अभी भी जो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं आसपास एरिया में, सतना, रीवा, शहडोल, दिल्ली में, तो मैम उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे मौके कम मिल रहे हैं। लोगों को जब तक मौके नहीं मिलेंगे तब तक उनका टैलेंट बाहर नहीं आएगा। चांस की जरूरत है मैम, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अभी सिर्फ चांस नहीं मिल पा रहा, तो एक मैच दो मैचेस हैं, इसकी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि मुझे चांस दिए थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। वहाँ पे मैम एक दो मैच मिल रहे थे तो मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा था पूरे साल से, दो मैच थे मैं आपको। यानी कि यहाँ पर जो है मौकों की कमी है, मौके आने चाहिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में। चलिए, एक अभी लास्ट मैम मेरा जी। अभी भोपाल और इंदौर में क्रिकेट बहुत अच्छा डेवलप हुआ है मैम, बहुत अच्छा है हमारा भोपाल और इंदौर क्रिकेट। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि रीवा डिवीजन का भी क्रिकेट और ज्यादा इंप्रूव। जी आप चाहते हैं कि विंध्य में जो है इसका विस्तार और हो। जी चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा यहाँ पर, कि सवाल नहीं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक ऐसा कोई मंत्र दे दें यहाँ पर, इतनी लाइफ में आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, इतना सारा स्ट्रगल देखा, आज यहाँ पर हैं आप, एक मंत्र यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने
जो आगे की पीढ़ी है, आगे के जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल मत बिल्कुल खेलिए, और उसके बाद मैम जो भी आपका सपोर्ट हो रहा है फैमिली बिल्कुल सपोर्ट करेगी, आप उनको रिजल्ट दें। हम एजुकेशन में भी हर साल के बाद एग्जाम होते हैं, हम उनको रिजल्ट देते हैं, वैसे स्पोर्ट्स भी है मैम कि आपको हर साल फैमिली को रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी वो आपको कंटिन्यू सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर क्रिकेटर अपनी फैमिली को अच्छा रिजल्ट देता है। और उसके बाद मैम जो खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल खोलिए खेलिए, और हिम्मत मैम कभी मत हारिए, आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न हमसे आज जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातें साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, अगर सपने देखे हैं तो उन्हें पूरे करने की हिम्मत भी रखिए, और अगर हर्डल्स आते भी हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में जब तक मुश्किलें नहीं आती, जब तक आप गिरते नहीं हैं तब तक आप संभलते भी नहीं हैं। और इसी बात की मिसाल है प्रद्युम्न तिवारी, जो कि मध्य प्रदेश के सतना के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज दिल्ली में जो है क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के लेफ्ट आर्म जो है उन्हें कह सकते हैं, और आईपीएल में ये आगे जो है मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।